हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपके स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सो आज एक बहुत डिफरेंट सी वीडियो लेकर आए हैं जो कि बुक्स पर हैं, क्योंकि पेरेंट्स फोर्स मजबूर हैं घर पे होम स्कूलिंग करने के लिए। तो मुझे लगा कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है। सो मैं आज आपको ऐसी बुक्स दिखाऊंगी जिसमें रीजनिंग एक्टिविटीज़ होगी। जो भी आपका बच्चा सीख रहा है उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू क्रॉस चेक करना, बच्चे का इन्फॉर्मेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग। सो यही सारी बुक्स हैं, आपको बुक्स दिखाऊंगी और साथ में बुक्स के प्लस पॉइंट्स ज़रूर बताऊंगी। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ड्रीम लैंड की फोनिक अल्फ़ाबेट साउंड्स। देखिए इसका बेस्ट पार्ट क्या है, क्योंकि रीत की भी बुक्स मोस्टली घर में आती रहती हैं, तो आई नो कि है ना बुक्स कैसी होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर नोटिस करेंगे तो अदरवाइज़ जो हम मार्केट से बुक्स खरीदते हैं उसमें क्या होता है कि एक पेज पे कम से कम दो साउंड्स दी गई होती हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज होता है। इस बुक में एक पेज पे एक ही साउंड है। ए है तो ए की ही पिक्चर्स दी गई हैं, ओके। ब है तो ब की ही पिक्चर्स दी गई हैं। सो मेरे को लगता है कि बहुत ही क्लियर बुक्स हैं। जिन पेरेंट्स ने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी हैं या अपने बच्चों के लिए फोनिक साउंड स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप इन्हीं बुक्स के लिए जाइएगा। आप खुद देखेंगे कि बच्चे का इंटरेस्ट भी रहेगा और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ओके। नेक्स्ट इज़ किंडरगार्टन मैथ्स वर्कशीट्स की बुक। अभी आप सब कुछ सिखा रहे हैं, 1-2 सिखा रहे हैं, 1-50 तक पहुंच गए होंगे होपफुली। तो अभी क्या है कि अभी देयर इज़ अ नीड टू क्रॉस चेक द इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि साइट काउंटिंग है, ये है क्या कहते हैं शेप्स हैं, और उसको मैच करना है। वर्कशीट्स की है पूरी की पूरी बुक, ओके। इस तरीके की वर्कशीट्स मिलेंगी। रीत को बहुत इंजॉय करती है इस तरीके के काम। तो अगर आप सोच रहे हैं अपने बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को और पक्का करना और मजबूत करना, तो आपको इस तरीके की बुक्स चाहिए जो बुक्स हैं वो फुल ऑफ वर्कशीट्स हों, ओके ओके। सो नेक्स्ट इज़ किंडरगार्टन इंग्लिश वर्कशीट्स। देखिए मेरा ये बुक्स दिखाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि अगर आपका बच्चा अभी कार्ड्स में बहुत अच्छा हो गया है, तो कार्ड्स के बाद जब हम कार्ड्स को फेड करते हैं उसके बाद फिर हम बुक्स पे ही आएंगे, ओके। क्योंकि प्री स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्कूल में तो बुक्स ही आएंगी, कार्ड्स नहीं आएंगे। तो बुक्स के लिए रेडी करना है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप लोग इसके लिए जा सकते हैं। किंडरगार्टन इंग्लिश वर्कशीट्स, जैसे पहले मैथ्स की दिखाई हैं वैसे ही अब इंग्लिश की हैं, इस तरीके की आएंगी वर्कशीट्स। अगर लेटर एफ़ है तो एफ से क्या क्या स्टार्ट होता है उसको बच्चे ने सर्कल करना है। मैं आपको अपनी इस बुक्स दिखाने के बाद मैं आपको रीत का डेमो वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि रीत कितनी कीनली बुक्स में है और कितने अच्छे से इंटरेस्ट से बुक्स को जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर रही है। ये देखिए इस तरीके की वर्कशीट्स हैं, सारी की सारी पूरी बुक है वर्कशीट्स की। अदरवाइज़ हमें प्रिंट आउट से निकालनी पड़ती हैं वर्कशीट्स। मेरे को लगता है कि रीज़नेबल रेट में बुक्स हैं और हम रख सकते हैं घर पर, राइट। मेरी पर्सनली फेवरेट बुक, मेरे हिसाब से ये सबके घर में होनी चाहिए। जो भी पेरेंट्स विलिंग है ना कि मेरा बच्चा फटाफट से इंग्लिश बोले, कोई भी लैंग्वेज बोले, राइट, तो बहुत ही अच्छा पैटर्न इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है ड्रीमलैंड का। वेरी फर्स्ट साइट वर्ड एंड सेंटेंसेस, मतलब मेरे हिसाब से होनी चाहिए आपके घर में। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, साइट पे पिक्चर्स के थ्रू हम बच्चे को वर्ब्स एक्शन सिखाएंगे और साथ में हम इंट्रोड्यूस करेंगे आई स्लीप। क्योंकि बच्चा, अगर मैं रीत की भी बात करूं तो अभी वो इतने बड़े बड़े वर्ड्स को रीड नहीं कर सकती है, पर आप अगर वीडियो में चेक करेंगे तो वो बहुत ही स्पॉन्टेनियसली वो सारा रीड कर रही है, कैसे, पिक्चर्स की मदद से, ओके। आई स्लीप, आई स्केट, आई स्विम, आई ईट, सारी की सारी बुक्स ही ऐसी है। मतलब दिस इज़ माई पर्सनल, मेरे को बहुत फेवरेट है ये बुक। तो सारे जो साइड से पिक्चर्स लेगी, साथ में आई लाइक पिज़्ज़ा, आई लाइक बनाना, आई लाइक एप्पल, आप धीरे धीरे देखेंगे आपके बच्चे का कम्युनिकेशन ऑलरेडी मतलब अपने आप ही अच्छा होता चला जाएगा। सो ये बुक है साइट वर्ड्स पे। उसके बाद है ब्रिलियंट ब्रेन, जो कि रीजनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें पूरी की पूरी बुक एक्टिविटीज़ बेस्ड है, ओके। अदरवाइज़ हमें गूगल करना पड़ता है एक्टिविटीज़ की, अपने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाएं, उसकी रीजनिंग एबिलिटीज़ को कैसे पॉलिश करें, ये बुक इसी चीज़ के बारे में है, ओके। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि मैम कोई रीजनिंग एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने की कोई बुक बताइए, तो हेयर इज़ अ बुक, ओके। विच ऑफ दिस इज़ लोअर केस ऑफ क्यू, क्रॉस इट, तो बच्चा क्रॉस करेगा पूरी की पूरी बुक। इवन आप इस बुक से आइडियाज़ ले सकते हैं, अगर आपको बड़ी बड़ी पिक्चर्स निकालनी है ना, आप जैसे एक पेज पे एक ही अगर आप कराना चाहते हैं तो प्रिंट आउट्स आप निकाल सकते हैं स्कैन करके, राइट। बहुत ही वंडरफुल बुक है।
आप जब रीत का डेमो वीडियो देखेंगे देन यू विल फील कि एक्चुअल में बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद है ये स्टोरी बुक है रस्किन बॉन्ड द लिटिल प्रिंसेस, बहुत अच्छी बुक है। जो ऊपर लिखा गया है वो नीचे पिक्चर के थ्रू एज इट इज़ दिखाया गया है, ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन। ओके, तो ये 6 बुक्स मैंने आपको दिखानी थी और ये कैटलॉग है इनका, बहुत बड़ा कैटलॉग है, बहुत ही बुक्स हैं। मेरे को याद है कि जब हम काम स्टार्ट भी किया था ना सेंटर में, तो हम ड्रीम लैंड की बोर्ड बुक्स ही यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक। सो वंडरफुल बुक्स हैं इनकी, बिल्कुल क्लियर है, पिक्चर्स आर वेरी क्लियर। सो पहले हम रीत का डेमो वीडियो देखते हैं और फर्दर हम बाद में बात करते हैं। ओके इश्विक, आज हम न्यू बुक करेंगे, ये वर्कशीट्स हैं, इंग्लिश की वर्कशीट्स हम कराएंगे। ओके चलो जी, वाओ व्हाट्स माय साउंड, ये करेंगे हम आज। नेस्ट स्टार्ट्स विद सर्कल, वेरी गुड। दिस इज Orange starts with? Very good. Shabash. This is a? Dog. Dog starts with? Dog. Very good. This is a? Queen. Queen starts with? Queen. This is a? Astronaut. No, astronaut देखो ऐ तो है नहीं इसमें। This is a? Robot. Robot. Robot starts with? Rob. Very good. This is a sun. Sun starts with sir. Cold. This is a tree. Tree starts with tree. Very good. This is an umbrella. Umbrella starts with yes. हम डेली वन वन वर्कशीट करेंगे। ओके शाबाश। ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैथ्स की वर्कशीट्स। ओके किंडरगार्टन मैथ्स वर्कशीट्स। चलो फ्लावर्स इन बॉक्सेस, काउंट द फ्लावर्स इन ईच बॉक्स एंड ड्रॉ अ लाइन टू द डोमिनो। जी यहां से फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर? 0 से स्टार्ट। ओके 0 0। ओके जी नेक्स्ट, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट नीचे आ जाओ। ओके ब्यूटिफुल, दिस इज साइट काउंटिंग, शाबाश, वेरी गुड। वन वर्कशीट इज डन। ओके नेक्स्ट इश्प्रीत, नेक्स्ट बुक इज वेरी फर्स्ट साइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये बड़ी अच्छी है ना, ये बहुत अच्छी वो पहले आपके सोचिए। यस यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, आई के बारे में बात करेंगे। आई मीन्स मैं। ओके आप बताओगे अपने आप, पिक्चर्स के थ्रू भी आप क्लूज ले सकते हो क्योंकि अभी आप छोटे हो, आप रीडिंग तो नहीं कर सकते ना, तो ये इंग्लिश सीखने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए दिस इज अ परफेक्ट बुक है ना मेरा बच्चा। हम पिक्चर से क्लू लेंगे और आई के साथ जोड़ देंगे। ओके चलो, आई आई स्लीप, आई स्केट, आई स्विम, वेरी गुड, आई ईट, यस, आई रन, यस, आई रीड, गुड, आई पेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट बुक इज फोनिक अल्फाबेट साउंड्स, ठीक है ना, नो ए टू जी में हम रीड करेंगे और कितनी अच्छी बुक है ना, इसमें एक पेज पे एक ही साउंड की बात हो रही है, देयर इज नो डिस्ट्रैक्टर, राइट ननू? ओके ए से स्टार्ट करेंगे, ए का आप सारे वर्ड्स बताएंगे साउंड का। चलो मेरे बच्चा बोलो, ए एम्बुलेंस, एस्ट्रोनॉट, एंकर। बस हो गया, डन डन। नेक्स्ट इज ब, स्टार्ट करो, बॉल, बैट, बाइसिकल, एंड ब बियर, वेरी गुड, वेरी गुड। बॉल दिस इज क, हाँ क बोलो सारी साउंड्स, क केक, यस, क क्रैब, कैटरपिलर, कोका, क्लॉक, ओके, क्लॉक, कार, कैट, वेरी गुड। बस आज हम
चार ही साउंड्स करेंगे ए ब क ड. ओके स्टार्ट विद ड. ड डक ड डॉग. क्या है ड्रम. यस द डॉल्फिन द डॉल द डॉग डियर डियर. ओके वेरी गुड. ओके नेक्स्ट बुक इज ब्रिलियंट ब्रेन एक्टिविटी बुक. ओके आइए हम एक्टिविटीज करेंगे. वाओ इश्प्रीत सर्कल द फूड दैट कैन स्पॉइल योर टीथ. इनमें से कौन से ऐसी ईटेबल आइटम है जो आपके टीथ को खराब करती है बताओ. हाँ सर्कल करो. सर्कल लिखा बेटा उन्होंने. गुड गर्ल. क्रॉस द थिंग यू डू नॉट सी इन अ पार्क. इनमें से उसको क्रॉस करो जो पार्क में नहीं होता है. यस क्रॉस. वेरी गुड. नेक्स्ट इज हूज होम इज दिस. ओके दिस इज अ होम. हूज होम इज दिस. ड्रॉ अ लाइन. हूज होम इज दिस. ओके आपने सर्कल कर दिया बट यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन. यस सर्कल द आइटम दैट हेल्प्स टू बाय थिंग्स. वेरी गुड. व्हाट इज दिस. मनी. वेरी गुड. शॉप. सो होपफुली आपको रीत की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. जो मैंने पहले बात की है वो आपको फील हुआ होगा कि रीत एक्चुअल में बुक्स को कितना इंजॉय कर रही है. अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हैं तो आप तीन साइट से Amazon, Flipkart एंड फर्स्ट क्राई की साइट्स पे ये बुक्स अवेलेबल हैं. अदरवाइज़ मैं जो ड्रीमलैंड पब्लिशर्स का जो उनका पर्सनल वेबसाइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी. आप जो भी आपको बुक्स चाहिए बॉर्ड बुक्स चाहिए अदरवाइज़ ये वाली बुक्स चाहिए आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं. वहाँ पे प्रॉपर कैटलॉग है. जो भी बुक्स आपको पसंद आती हैं आप प्लीज़ जाइए. वंडरफुल बुक्स हैं. सो थैंक यू सो मच. कीप शेयरिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.